नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की केस की। एक हफ्ता हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस इस मामले में सिर्फ और सिर्फ जांच ही कर रही है, लेकिन अफसोस पुलिस अभी भी खाली हाथ नजर आ रही है। और अब आकांक्षा दुबे का परिवार इस मामले में और देरी नहीं चाहता। यही वजह है कि बीते शुक्रवार को आकांक्षा का पूरा परिवार सारनाथ थाना के बाहर जा पहुंचा और अपना रोष व्यक्त किया। बता दें कि परिवार ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिवार का ये आरोप है कि पुलिस इस मामले में जानबूझकर समर सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर रही। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है आकांक्षा दुबे के केस को सुलझाने की। और इस जमकर हंगामेबाजी के बाद आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस की तरफ से आखिरकार एक बयान सामने आ चुका है। आपको बता दें कि अब पुलिस की ओर से यह अल्टीमेटम दिया गया है कि वो भोजपुरी सिंगर और उसके सहयोगी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। यह आश्वासन वाराणसी के सारनाथ थाना की पुलिस ने आकांक्षा दुबे की मां समेत अन्य परिजनों को किया। दरअसल आकांक्षा दुबे के निधन के मामले में आरोपी समर समेत अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मधु दुबे ने शुक्रवार को सारनाथ थाने में जमकर हंगामा किया। मधु दुबे और जनसत्ता पार्टी के जौनपुर जिला अध्यक्ष राजन त्रिपाठी व उनके समर्थकों ने थाने में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा, पुलिस की मिलीभगत है और अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए जिस युवक को गिरफ्तार किया था उसे भी छोड़ दिया। दरअसल ये वही युवक है जो 25 मार्च की रात आकांक्षा के कमरे में 17 मिनट तक रुका था। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि छानबीन के बीच ही आकांक्षा दुबे का अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 4 मिनट 40 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में आकांक्षा होटल के कमरे में एंटर करते हुए दिखाई दे रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में आकांक्षा के साथ वो शख्स भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि परिवार की तरफ से यह आश्वासन पुलिस को दिया गया है कि अगर 24 घंटे में समर सिंह को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस उन्हें अब वो सीधा सीधा इस मामले में सीएम योगी से गुहार लगाएंगे कि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। आकांक्षा की मां ने कहा कि मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग करेंगे और अब देखना यही होगा कि क्या पुलिस अपना वादा निभा पाती है, क्या आकांक्षा दुबे के केस में समर सिंह आने वाले 24 घंटों में गिरफ्तार हो पाएगा या नहीं। इसे लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव्स।